इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में हम आर्टिकल द को आज कवर करने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। आर्टिकल द का प्रयोग निम्नलिखित दशाओं में किया जाता है। पहला कंडीशन है किसी व्यक्ति की उपाधि, जैसे महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। हम सभी को पता है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, राइट? इसलिए उसके फादर ऑफ नेशन के आगे द लगा हुआ है। एपीजे अब्दुल कलाम इज नोन एज द मिसाइल मैन। ये मिसाइल मैन एक उपाधि है, इसलिए इसके आगे द का प्रयोग किया गया है। दूसरा कंडीशन है शरीर के बाहरी अंगों के नाम। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि शरीर के बाहरी अंगों के नाम लिखे हुए हैं, इन सभी के आगे हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है द हैंड, हाथ के आगे द हेड, सिर के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। थर्ड कंडीशन है धार्मिक समुदायों के नाम के पहले, द हिंदुइज्म, द जैनिज्म, द सिखिज्म। चौथा है प्रमुख धार्मिक पुस्तकों तथा ग्रंथों के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कुरान, द बाइबल, द गीता। संगीत वाद्य यंत्र, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, इनके आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दी बेंजो, दी पियानो, दी ड्रम्स। प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम के आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द बीजेपी, द कांग्रेस। आविष्कारों, इन्वेंशन, जितने भी आविष्कार वैज्ञानिकों की तरफ से किए गए हैं, उनके नाम के आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द कंप्यूटर। परंतु टेलीविजन, टीवी एक अपवाद है, उसके आगे हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रमुख नदियों के नाम के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, जैसे द गंगा, द नर्मदा। रेल, जहाज, हवाई जहाज के नाम के पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस फिगर में अनन्या एक्सप्रेस है, जो कि इंडियन रेलवे है, इसके आगे भी हम दा का प्रयोग करते हैं। टाइटेनिक शिप है, संता मारिया एक शिप है, इन नाम के आगे, शिप के नाम के आगे हम दा का प्रयोग करते हैं। स्पाइस जेट और एयर इंडिया फ्लाइट्स का नेम है, इसके आगे भी हम दा का प्रयोग करते हैं। हम ट्रेन, शिप, एरोप्लेन के जितने भी नाम हैं, इनके आगे हम दा का प्रयोग करते हैं। कानून लागू करने वाले संस्था के नाम के आगे हम दा का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सुप्रीम कोर्ट, द पुलिस, द आर्मी। सरकारी संस्थाओं के नाम के पहले, ऐसे कुछ संस्थाएं हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम करती हैं, वो सरकारी ही हैं, उनके नाम के आगे भी हम दा का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। प्रमुख समाचार पत्रों के नाम के आगे भी हम दा का प्रयोग करते हैं, द हिंदू, द टाइम ऑफ इंडिया। प्रमुख सरकारी पद जो कि बहुत ही प्रमुख होते हैं, जो सरकारी पद, उनके आगे भी हम दा का प्रयोग करते हैं, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर। ऐतिहासिक काल की प्रमुख घटनाओं के पहले, हिस्ट्री में कुछ ऐसे घटनाएं घटी हुई हैं जो कि बहुत ही प्रमुख होते हैं, उनके आगे भी हम दा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ 1914 टू 1918, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 15 कंडीशन है जो वस्तु जो हमारे ब्रह्मांड में केवल एक ही है, इस ब्रह्मांड में केवल एक ही है, यूनिक है, उसके आगे भी हम दा का प्रयोग करते हैं, द मून, द सन। देश के प्रसिद्ध इमारतों के नाम, देश के कुछ ऐसी बिल्डिंग हैं जो बहुत ही फेमस हैं, उनके आगे भी हम दा का प्रयोग करते हैं, द ताजमहल, द रेड फोर्ट। और विदेश के भी कुछ बिल्डिंग ऐसे हैं जो बहुत फेमस हैं, उनके आगे भी हम दा का प्रयोग करते हैं, द ओपेरा हाउस, ऑस्ट्रेलिया, द एफिल टावर जो फ्रांस में है, इसके आगे भी दा का प्रयोग करते हैं। यदि किसी खास शब्द का पहला अक्षर स्वर मतलब वोवेल हो तो भी हम दा का प्रयोग करते हैं, जैसे द ऑफिस, द एंड। यदि लिखा है यहाँ पे ये किसी देश का नाम दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कुछ देश ऐसे होते हैं जिनका नाम दो शब्दों से अलग, दो शब्दों से या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है, तो भी हम उसमें हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं
ये साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो जिसका देश का नाम है, वो दो शब्दों